सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पॉलीनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लीनियर पॉलीनोमियल की। तो लीनियर अगर पॉलीनोमियल है मेरे पास में, तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ रहता है, ठीक है। आपके पास में जैसे मान लो यूं करके ये आपके पास में एक्सिस दिया हुआ है, वाई डैश एक्स डैश और एक्स, और ये ओरिजिन है अपना, और ये मान लो हमारे पास में आ गया। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा पॉलीनोमियल का ग्राफ, या आपके पास में इसी कार्टेशियन प्लेन में यूं ऊपर लाइन आ जाए तो भी हमारे पास में लीनियर पॉलीनोमियल का है। सेकंड आपके पास में आती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक में आपका ग्राफ बनता है पैराबोला। तो याद रखिए इसका नाम होता है पैराबोला, और हमारे पास में इसकी शेप रहती है यूं, चाहे आपके पास में ऐसे आ जाए या आपके पास में ऐसा आ जाए या आपके पास में इधर को बन जाए, ठीक है। ये सारे पैराबोलाज ही हैं। तो आपके पास में क्वाड्रेटिक जो होती है इक्वेशन, उसके जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला होते हैं, और हमने देखना होता है कि हमारे पास वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी जीरोज़ कितनी हो जाएंगी, टू जीरोज़ इसकी निकल के आ जाएंगी। ये वाला एक ही पॉइंट पे टच कर रहा लग रहा है, तो आप इसकी यहाँ पे लिखोगे 10, है ना। और इसी तरह ये भी एक ही पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, तो इसकी भी हम 10 की ही बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं एक और आपके पास में ग्राफ बनाती हूँ इसका, सो आपके पास में यहाँ पर मान लो यहाँ पर ग्राफ बन जाता है कुछ यूं। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब कौन सी जीरो, नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे नो जीरो आ जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, एक्स एक्सिस पर हमारा वो पैराबोला कितनी बार कट कर रहा है वो हमारे पास में उसकी इक्वेशन आएगी। और ये भी याद रखना वो उसकी जीरोस आएंगी। ये भी याद रखोगे आप लोग कि आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ऐसे तो नहीं है कि वो कहीं वाई एक्सिस की फॉर्म में दी है। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस का ही पॉइंट चेक किया जाता है, और अगर वाई एक्सिस में आपके पास में इक्वेशन गिवन हो तो फिर वाई एक्सिस का पॉइंट चेक किया जाता है। तो आपके पास में इस तरीके से ये पैराबोला हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद में हमारे पास में क्यूबिक है जैसे, तो क्यूबिक का ग्राफ हमारे पास में देखो ऐसे करके बन जाता है यूं करके। तो आपके पास में इसकी तीन जीरोस देखो बन रही है इधर, तो ये आपके पास में क्यूबिक पॉलीनोमियल जनरेट हो सकता है। तो इसमें 3 जीरोस इसकी डेवलप हो रही हैं। इसी तरीके से आपके पास में ग्राफ कोई यूं बन जाए यूं करके, तो देखो यहाँ पे कितनी पॉइंटों पे ये कट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 4 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगी। तो ये ध्यान रख लेना कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये जो कर्व निकल के आ रही हैं वो कितनी बार जो है कट करके जा रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, टू पे कर रही हैं, या 3 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, या फिर कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी।